स्वागत आपका त्रिलोक तीर्थ धाम टेम्पल में। यह एक जैन टेम्पल है जो कि उत्तर प्रदेश बड़गांव में पड़ता है। मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा इस त्रिलोक तीर्थ धाम टेम्पल की, कैसे आप इस टेम्पल में आ सकते हैं, कैसे आप दर्शन करेंगे और किस हिसाब से इस टेम्पल को बनाया गया है। मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने इस टेम्पल को विजिट किया है और शूट किया है, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेम्पल को, आइए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले एंटर होते ही धाम के मुख्य द्वार पर आचार्य की प्रेरणा की तीन लोगों का सचित्र चित्रण किया है, जो कि मनुष्य के कर्मों को दर्शाता है। यहीं से सबसे पहले मैंने उनके दर्शन किए और अंदर की पिक्चर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ही एक छोटा सा एक क्लिप ले लिया। तो आप आइएगा तो जरूर दर्शन करिएगा। तो यहीं से सबसे पहले मैंने उनके दर्शन किए, उसके बाद यहीं से मैं अपने आगे की ओर चल पड़ा। और इस टेम्पल के बारे में बात करूं तो ब्रह्मलीन आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज ने त्रिलोक तीर्थ धाम के निर्माण की योजना सिद्ध क्षेत्र सोनगिर मध्य प्रदेश सिंहरत के अवसर पर 28 मार्च 1994 को तैयार की थी। वहां से पद विहार कर आचार्य 2 जुलाई 1997 में बड़ागांव में पहुंचे थे। इसके बाद आचार्य ने जैन समाज के लोगों के बीच धाम निर्माण की योजना को रखा था। और यहीं से आप देख सकते हैं टेंपल की खूबसूरती, किस हिसाब से ये टेंपल बना हुआ है, बड़ा ही अद्भुत टेंपल बना हुआ है। और यहीं से मैं अभी एंटर करूंगा और एंटर करते ही सामने आपको एक काउंटर मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया एंटर करते कि अगर आप सीढ़ियों द्वारा जाना चाहते हैं, क्योंकि 16 मंजिल टेम्पल है, सीढ़ियों द्वारा जाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर यहाँ से आप लिफ्ट द्वारा जाना चाहते हैं आपको 20 रुपीज चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने 20 रुपीज वहाँ पे चार्ज दिए और पूरी 16वीं मंजिल तक दर्शन करने के लिए गया। यहीं से मैंने आदिनाथ जी को प्रणाम किया। मंजिल के धाम की ऊंचाई 200 फीट है। धाम पर 1008 भगवान आदिनाथ की अष्ट धातु की प्रतिमा विराजमान है। 15 फरवरी 2017 को तत्कालीन गृह मंत्री राजा सिंह, तत्कालीन गवर्नर राम नाईक व सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने पंच कल्याण की शुभारंभ किया था। और यहाँ पे अभी मैं 15वीं मंजिल पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, देख ही पा रहे होंगे आप। अभी मैं 16वीं मंजिल से भी आपको दिखाऊंगा, लगभग मुझे लगता है पूरा शहर नजर आता है। और 16 मंजिल त्रिलोक तीर्थ धाम का निर्माण करीब 15 साल तक निरंतर चलता रहा था, मैंने जो सुना है। यहाँ पे सन 2000 में रक्षाबंधन के पर्व पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 2015 तक निरंतर चला। निर्माण के सैकड़ों कामगार लगे रहे, धाम के प्रयोग किया गया पत्थर के धौलपुर राजस्थान से मंगवाया गया, जबकि प्रतिमा सफेद मकरान पत्थर का प्रयोग किया है। यहां पे अभी मैं 16वीं मंजिल पर खड़ा हुआ हूं, सबसे टॉप पे। यहां से आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त व्यू है। और यहीं से सामने आदिनाथ जी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, जिसके मैंने प्रणाम किया और यहीं से मैं आगे की ओर बढ़ गया। और मुझे पता लगा कि नक्काशी के लिए यहाँ पे उड़ीसा से बड़ी संख्या में कारीगर कई साल तक कार्य लगे रहे। पत्थरों पर निर्माण नागर शैली में हुआ, निर्माण पर करीब 60 करोड़ की लागत आई, ऐसा सुना गया जब मैंने यहाँ पे लोगों ने मुझे बताया नीचे। धाम का आकार जैन समाज के प्रतीक चिन्ह से लिया है। धाम की मजबूती के लिए आचार्य संपत्ति सागर महाराज ने फाउंडेशन जमीन करीब 100 फीट नीचे तक खुदाई कराने के बाद रखवाया था। धाम की मजबूती इतनी है कि सामान्य से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटकों की भी आसानी से झेल सकता है। यहां से देख ही सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा देर के लिए खड़ा हो गया व्यू देखने के लिए। हर जगह पे मैं इंजॉय करता चल रहा था, देखता चल रहा था। बड़ा ही खूबसूरत अद्भुत टेम्पल है, ऐसे देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान है, यहाँ पे बताया जाता है कि इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान है। और शनिवार और रविवार को धाम पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम होता है, रात में होने वाले कार्यक्रम को दिखाया जाता है। जब आप कभी रात में आएंगे, लाइट एंड साउंड कार्यक्रम और शुभारंभ तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया था। यह कार्यक्रम बेहद ही भव्य होता है। धाम के मुख्य गेट पर ही आचार्य की मोम की बनी प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पे मैंने सबसे पहले दर्शन किए थे, जो मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से अभी हम नीचे आ गए हैं, ये है सामने ही मेन टेम्पल। यहीं से मैंने आदिनाथ जी को प्रणाम किया। तो ये थी पूरी एक टेम्पल की जानकारी, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और पूरे टेम्पल को कवर करने की कोशिश करी है। यहीं से मैं वीडियो के लास्ट की ओर जाते हुए, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा लास्ट क्लिप है, यहाँ से हर चीज को मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। यहाँ से देख सकते हैं खूबसूरती से हर चीज को बनाया गया और दिखाया गया है। यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, ये मेरा लास्ट क्लिप है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है इस पूरे टेम्पल को कवर करने की। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।